एक एक शब्द पर आपका तवज्जो चाहूंगा, ध्यान चाहूंगा, क्योंकि जब तक हम ध्यान देंगे नहीं सुनेंगे तब तक गीत का मसला समझ में नहीं आएगा। सुनिएगा। भूखे प्यासे हैं भीम जी भारी कष्ट है, भूखे प्यासे हैं भीम जी भारी कष्ट है, भोजन की खातिर मनु, भोजन की खातिर मनु बात से लड़े, गलत है कि सही है? देश देश में करी पढ़ाई और 32 डिग्री तब है पाई और जंग लड़ी स्वाभिमान की, तब हमें आपको ये उत्तरदायित्व निभाना पड़ेगा, कर्ज है जो खर्च के साथ अदा करना पड़ेगा, और फिर यही कहना पड़ेगा कि जान भले ही चाहे यहाँ से नहीं ये लंदन से लाए थे, रावण केवल कॉन्फ्रेंस करके लाए थे, जिसको कमना पेंट के नाम से कमना नेवार के नाम से जब बोलता हमें लंदन से थे देख भलाई भोजन की कागजी मुराद में 24 सितंबर 1932 याद रखना बहुत जरूरी, जब बाबा साहब ने गांधी जी के षड्यंत्र में फंस गए बाबा साहब, और गांधी जी यरमुदा जेल में के आसन पर बैठ गए और मेरे मसीहा जो हरकत कर लाए थे उनको डिस्टर्ब कर दिया, जो 100% देना था उस पर 85 देने दिया, आधा तो गांधी जी खा गए निपटवा दिया। तब गांधी ने पूना के जेल के अंदर से ही अभिमान किया था कि मैंने अंबेडकर को हटा दिया तब मुझे ही अपना पड़ा, लेकिन गांधी जी और तुम्हारे जितने भी अनुयायी हैं जो चर्चे हैं उनको हम आज कह रहे हैं कि जब जमाना दूसरा था तब मेरे मसीहा के साथ बहुत कम लोग थे, लेकिन आज तो घर घर में अंबेडकर पैदा हो गए हैं, ये जितने भी आए हैं ये गांधी नहीं है, ये बाबा साहब अंबेडकर के बेटे अंबेडकर बैठे हैं, इसलिए याद रखना कि चार भले आए पर सब 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 सब
बाबा साहब अम्बेडकर जी की पहचान क्या है? पहचान क्या है मेरे बसिया मेरे बाप की पहचान क्या है? भैया जी आप पेटी के आगे आ जाओगे हमारे पैर से रहो, पेटी के आगे ना बैठो, हमारे पेटी के आगे ना बैठा कहीं दूसरी जगह बैठे। हमारे बाप की पहचान क्या है बाबा साहब की जानते हो? और नहीं जानते तो सुनो, जानते तो सब है। अरे महापुरुषों पेटी के आगे आ जाओ पिताजी, कैसे बोलो तुमने कि तिगोरी बाबा दवाई बहाना है, दवाई बहाना सुना है, दवाई बहाना जिसको आसाराम कहते हैं। आसाराम ससुराल 90 साल का बूढ़ा और जवानी की दवाई भी इसका मैं कहता था कि अभी तो मैं जवान हूं तो मुझे सिर्फ आगे को कहना पड़ा कि तिगोरी बाबा दवाई बहाना है तो कोई बाबा हनी प्रीत की प्यार की जुदाई वाला है। याद रखो कि कोई बाबा दवाई वाला है तो कोई बाबा राम रहीम हनी प्रीत की प्यार की जुदाई वाला है। और रोक सको तो तालियों को रोक के दिखा दो कि मेरा बाबा ना दवाई वाला है ना प्यार की जुदाई वाला है। अरे मेरा जुदाई वाला है मेरा बाबा तो जुदाई वाला है। तभी यहां और आगे या तो 20 मार्च 1927 जिस दिन मेरा जन्म हुआ, 20 मार्च को मेरा जन्म हुआ और उसी दिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने महार ताला पर हम बहुजनों को पानी पिलवाया था। याद करो, मैं भी बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे मसीहा ने जिस दिन पानी दिया पीने के लिए उसी दिन मैंने जन्म ले लिया, वरना प्यास के मारे मैं भी मर जाता। याद रखो के हक अधिकार दिलाया हमको पानी एक व्यक्ति ने बाबा साहब को डंडा मार दिया, पत्थर मार दिया तो मेरे बाबा साहब अम्बेडकर का सिर फूट गया और बाबा साहब का सिर फूटा तो खून गिरा तालाब में, महातालाब में, वही खून का मिला हुआ पानी हमारे भाई बहनों ने पिया। इसलिए बाबा साहब का कर्जा हमारी नगर में बसा है, हमारे खून की एक एक बूंद में बाबा साहब समाए। इसलिए पादरी ने होटल से बाहर निकाल दिया, होटल से बाहर भी निकाला होटिया सुमन चाय का प्याला। अरे होटल से बाहर भी निकाला होटिया ना सुमन चाय का प्याला। बाबा साहब को चाय तो पिला दी लेकिन बाबा साहब से जब पूछा कि तू कौन सी जाति का है महान, बाबा साहब से कहा कि चाय के कप को धो के रख ले तो मेरे बाबा साहब ने पता ही जवाब दिया। जब बाबा साहब से कहा कि चाय के कप को धो के रख ले अब मेरे मसीहा ने कहा कि तेरे चाय का